श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम में दीपक हुड्डा की जगह पे रोहित शर्मा ने कराई स्विंग के बाजीगर की वापसी। दोस्तों, स्विंग के बाजीगर की वापसी से पूरी श्रीलंकाई टीम थरथर कांपने लगी है, जो अकेले दम पे श्रीलंका को हरा देगा। दोस्तों, अभी जानना चाहते हो सारी बातों के बारे में, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भारतीय टीम ने एशिया कप 2022 में अब तक टोटल 3 मुकाबले खेले हैं और 3 में से 1 में हार का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान के खिलाफ अपने आखिरी मुकाबले में 5 विकेट से। उससे पहले भारतीय टीम ने हांगकांग को 40 रन से हराया था और पहले मुकाबले में पाकिस्तान को ही 5 विकेट से रौंद डाला था। मगर दोस्तों, आज करो या मरो की लड़ाई है, क्योंकि भारतीय टीम को बाकी के बचे दोनों मुकाबले जीतने होंगे अगर फाइनल तक का सफर तय करना है। तो भारतीय टीम को आज श्रीलंका को हराना होगा और 8 तारीख को अफगानिस्तान को हराना होगा, जब भारतीय टीम पहुंचेगा फाइनल में। दोस्तों, श्रीलंका को हराने के लिए भारतीय टीम में लौट आया है स्विंग का बाजीगर दीपक हुड्डा की जगह पे दीपक चार की वापसी हो चुकी है। दीपक चार पहले ओवर में 3-3 4-4 विकेट छक्का देते हैं। दीपक हुड्डा भारत की ओर से गेंदबाजी तो नहीं करा रहे और बल्लेबाजी के लिए इनका खेलना बिल्कुल ठीक नहीं है। साथ ही यजमान चहल की जगह पे आज आपको अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी भी बहुत खतरनाक करते हैं। और वहीं ऋषभ पंत की जगह पे दिनेश कार्तिक को ही मौका मिल सकता है।